बागेश्वर नगर पालिका ने शहर के लिए नया कूड़ा वाहन जनता को समर्पित किया है। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने नए वाहन का शुभारंभ करते हुए लोकार्पण किया। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि शहर में कूड़ा वाहन घर घर जाकर कूड़ा एकत्र करेगा। वाहन में गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग एकत्र करने की सुविधा है। उन्होंने कहा कि नए वाहन के आने के बाद शहर में कूड़ा एकत्र करने की सुविधा लोगों को मिल सकेगी। पालिका अध्यक्ष ने बताया कि भविष्य में एक छोटा वाहन खरीदने की भी योजना है, जो कि शहर की तंग गलियों में जाकर कूड़ा एकत्र कर सकेगा। देखिए, नगर पालिका को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए लोगों की असुविधाओं को देखते हुए हमने डोर टू डोर कलेक्शन के लिए, क्योंकि हमारा जो घरों से जो कूड़ा आता है वो सीधे गाड़ी में आए और सीधे हमारे टंचिंग ग्राउंड तक पहुंचे, इसके लिए हमने एक नया वाहन यहाँ पर आज क्रय किया है, जिसका आज हमने माँ चंडिका मंदिर पर इसका विधिवत पूजा अर्चना के बाद शुभारम्भ किया है। तो यह हमने लगातार जो है नगर पालिका को संसाधन युक्त बनाने के प्रयास हमारे जारी हैं, और हमने जो है इससे पहले भी हमने यह हमारा चौथा डंपर नया आया हुआ है, और इससे पहले हम एक स्काई लिफ्ट और एक जेसीबी मशीन और 6 ई रिक्शा हमने नगर के सुविधा के लिए जो है लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पर क्रय किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे नगरवासियों को जो हमारा दूर दराज का एरिया है, जैसे बिलोना है या मंडल सेरा कठायत बाड़ा है, जहाँ से डोर टू डोर कलेक्शन में हमारी जो गाड़ी चल रही थी उसमें एक गाड़ी का और हमने इजाफा किया है, तो ये जो है सीधे जो है कूड़ा इसी में जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नगरवासियों से यही अपील करूंगा कि हमारे नगर को साफ और स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें, और जो है कूड़े को निश्चित स्थान पर ही डालें। जो हमारी कूड़ा गाड़ी आपके डोर टू डोर पर आ रही है, जहाँ तक गाड़ी जाएगी संभव होगी वहाँ तक ये चलेगी, और इस पर आप कूड़ा इसमें हमारा एक आदमी रहेगा जो कूड़े को इस पर, क्योंकि ये हमने इस बार दो आप देखेंगे दो पार्ट में बन रहे हैं, दो अलग अलग पार्ट इसके उठ रहे हैं, एक में गीला कूड़ा एक में सूखा कूड़ा। इससे जो है हमारी जो कूड़े की जो हम सेग्रीगेशन करते हैं उसमें हमारे कर्मचारियों को भी इसमें बहुत सुविधा मिलेगी। तो मैं पुनः अपने सभी नगरवासियों को यही अपील करूंगा कि आप लोग नगर पालिका को अपना सहयोग दें। देखिए, वहाँ के लिए हमने पहले से सुविधा कर रखी है, उसमें हमारे मात्र दो वार्ड बचे हैं, बाकी वार्डों में हमने डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हमारी जो है करीब 52 महिलाएं, क्योंकि 34 महिलाएं थी और अभी हमने कितने 13 महिलाएं और बढ़ाई हैं उसमें, तो इस प्रकार से हमारी करीब 50 से ज़्यादा महिलाएं हमारी डोर टू डोर कलेक्शन करती हैं। जहां गाड़ी नहीं जा रही है वहां हमारी महिलाएं जो है डोर टू डोर कलेक्शन के लिए वो सुबह वहां पहुंचती हैं और कूड़े को इकट्ठा करके उनके घर से डस्टबिन से निकाल के ला के जो है वो कूड़े वाहन तक पहुँचाने का काम उनका है। तो इस प्रकार से अभी हम इसमें और हम इसमें प्रयास कर रहे हैं कि कुछ हमारी छोटी गाड़ियाँ एक दो और आ जाएँ, जिससे कि हम शाम के वक्त भी चला पाएँ। जैसे बाज़ार में भी हमारी एक छोटी गाड़ी जो है शाम को जो दुकानें हैं उन पर भी हमारी जो नगर के नगर से नज़दीक की जो दुकानें हैं उस पर भी चलती है। तो उन व्यापारियों से भी मेरा अपील है कि आप कूड़े को रोड में न फेंक के कूड़ा वाहन में ही डालें। अरे, इतनी तमाम सुविधाओं के बावजूद भी लोगों को देखने में ये आ रहा है कि लोग जो है नदी नालों में कूड़ा डाल देते हैं, तो ऐसे लोगों से क्या अपील आप करना चाहेंगे? देखिए, हम लगातार इस चीज़ के लिए अपील करते आए हैं और सरकार भी इस चीज़ के लिए हमेशा अपील करती है, क्योंकि नगर पालिका का प्रथम कार्य ही यही है कि नगर को साफ और स्वच्छ रखें। पर हमने जागरूक कार्यक्रम भी चला रखे हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए कि आप कूड़े को जो है कूड़ेदान में ही डालें या कूड़े वाहन में ही डालें, पर फिर भी कुछ लोग जो है वो ना समझी कहें या क्या कहें, वो लोग इस प्रकार की हरकतें करते हैं कि नदी नालों में डालते हैं। उसके लिए हमारे अभी नए यो साहब यहाँ पर आए हैं, ये लगातार प्रयासरत है, मैं देख रहा हूँ इनके द्वारा नगर में अभियान चलाए जा रहे हैं और छापेमारी की जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इस पर भी कंट्रोल किया जाएगा। CGN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।